हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, आप उनको उनके आवाज़ के ज़रिए जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे कार्टून्स में अपनी आवाज़ दी है, जैसे कि लिटिल कृष्णा, डोरेमोन, पोकेमोन, निंजा हथौड़ी, नॉडी। उन्होंने बहुत सारे मराठी फिल्म्स में भी काम किया, जैसे कि टाइम पास, टाइम पास 2। मैं बात कर रहा हूँ मेघना एरंडे जी का। मेघना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज के इस एपिसोड में। हाय हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वायन कंटेंट फैक्ट्री को ढेर सारी शुभकामनाएं, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली न्यू एंड देर आर पीपल आउट देयर जिनको समझ में नहीं आता कि अप्रोच कैसे करें, यू नो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के जो चैनल है, इस तरह के जो शोज है हाउ टू बी एन एक्टर, उससे शायद कई लोगों को मदद मिलती होगी। सो हाउ इज द रिस्पॉन्स? हमारा भी वही इंटेंशन है कि मतलब हेल्प हो, और रिस्पॉन्स की अगर आप बात करें तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और जो लोग सच में इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो एपिसोड्स देख रहे हैं, बिकॉज बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं ये सेशंस, तो देखते हैं लोग और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए हम ये सीरीज कंटिन्यू भी कर रहे हैं। सो हमारा सौभाग्य कि आप हमारे चैनल पर आए, और बहुत अच्छा लगा कि आप आज यहाँ पे आए और हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। एब्सोल्युटली, और मैं और यश आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं तो एंटरटेन भी करेंगे। So, let's see, कैसे होता है। So, मेघना जी, हमारी चैनल की ना एक परंपरा या फिर आप प्रथा कह लीजिए कि हमारे पास जो भी गेस्ट आता है उनका स्वागत हम ढेर सारे गिफ्ट्स देके करते हैं। How cool is that? पहले ही इतने सारे गिफ्ट दे दो कि भाई मतलब खुश हो जाए। और that's a very nice thing because इंडिया में अतिथि देवो भव या फिर जो हमारी संस्कृति है वो आप न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन, मतलब मैं बूढ़ी नहीं हूँ पर मैं कभी भी छोटी हूँ। सो ये जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, वो आप लोगों ने कायम रखी है कि पहले भाई उसका अच्छे से स्वागत करो, गिफ्ट विफ्ट दे दो तो और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो यही हमारे पहले सेगमेंट का नाम भी है, जो है #रिवाज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली सेगमेंट जो है #रिवाज। तो ये जो फर्स्ट गिफ्ट आपके लिए भेजा, ये भेजा है वेदश्री मधुकर जोयल जी ने। इनके ब्रांड का नाम है वेदश्री क्रिएशंस, और इन्होंने आपके लिए खास एक कॉम्बो भेजा जिसमें सेंटेड कैंडल्स और बुकमार्क्स है, और इनके जो भी पैकेजिंग है ये भी इको फ्रेंडली है। तो ये आपके लिए भेजा है वेदश्री क्रिएशंस की तरफ। थैंक यू वेदश्री, थैंक यू सो मच, वेरी यूजफुल। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है ये भेजा है नीलिमा अमित जी ने। इनके ब्रांड का नाम है वन लाइफ मेनी जर्नीज। सो बेसिकली इन्होंने रेकी इन्फ्यूज्ड अफर्मेशन कार्ड्स भेजे जो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करेंगे। वो खुद भी एक हीलर है, उनके वर्कशॉप्स होते हैं। तो ये आपके लिए भेजा है नीलिमा अमित जी ने। थैंक यू नीलिमा जी, थैंक यू सो मच। और मैं खुद एक प्राणिक हीलर हूँ, सो आई नो व्हाट इज द पावर ऑफ अफर्मेशंस, एंड मैं बचपन से ही अफर्मेशंस देती आ रही हूँ और अभी भी देती हूँ और देती रहूंगी, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। सो मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि जो भी आपको चाहिए, जो वो शाहरुख जी वाला डायलॉग नहीं है कि पूरी कायनात, कैन यू से दैट, कि जो भी शिद्दत से चाहो उसे कायनात उसे मिलाने के लिए लग जाती है। यही हमारी सीरीज भी है कि हमने जो स्टार्ट किया था बहुत रॉ था कि कुछ करना है, बट affirmation works, believe me, it works like anything. So, when I was like confused थी कि मुझे क्या करना है, तो मैं काफी बार yes और no का चिट्स वगैरह डालती थी कि जिसमें जो आएगा ये प्रोजेक्ट करना है तो नहीं करना है वगैरह, पर अभी हाँ मतलब तब ये सब चीजें थी, बट देन आई रियलाइज की affirmations दो एंड देन सरेंडर ऑल्सो, कि जो मेरे लिए है वो मुझे मिलेगा, जो प्रोजेक्ट मेरे नाम पे नहीं है वो नहीं मिलेगा, जब मिलना है तभी मिलेगा। वो जो यहाँ पे लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। सो प्लीज डोंट लूज होप एंड हैव पेशेंस। अगर आप सही तरह से मेहनत कर रहे हो और आप उस दिशा में अपने आप को ढाल रहे हो, जैसे आप हो, यू लाइक आप पूरी दिलो जान लगा देते हो जो भी करते हो, मतलब वो भले ही डबिंग हो, एक्टिंग हो, जो भी है, तो थोड़ा सा हैव पेशेंस। अगर आपको जब मिलना है, यू विल शाइन फॉर श्योर। ये नेक्स्ट गिफ्ट आपके लिए भेजा है शिल्पा अपटे और मेधा गलगले जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है प्रधा, और इन्होंने आपके लिए एक अपसाइकल बॉटल भेजी जो हैंड पेंटेड है। सो ये आपके लिए आया था प्रधा से। हाउ स्वीट, बहुत प्यारी है, आई लव दैट। एंड अभी मैं सोच रही हूँ मैं घर में कहाँ पे कौन से जगह पे रखूँ। वो सोच रही हूँ, एंड इट्स ब्यूटिफुल, थैंक यू।
और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट गिफ्ट जो है ये भेजा है पूर्वा थत्ते जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है क्रिएटिव स्ट्रोक्स। इन्होंने आपके लिए एक हैंड पेंटेड ट्रे और ये टी कोस्टर्स भेजे हैं जो उन्होंने खुद पेंट किया है, तो ये आपके लिए भेजा है पूर्वा थत्ते जी ने। थैंक यू पूर्वा जी, एंड दिस इज रियली क्यूट। ये मैं ईरा को दूंगी, मेरी डॉटर को, एंड शी लव इट, एंड दिस इज समथिंग वेरी वाइब्रेंट एंड नाइस। So, इसे देख के भी मैं खुश हो रही हूँ। यू फील गुड ना? आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टू कलर्स, सो दिस इज गोइंग टू बी माई कलरफुल कोस्टर एंड ट्रे। थैंक यू। तो आप भी इनके पेजेस चेक कर सकते हैं, जो भी लिंक्स हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अभी हम जहाँ पे बैठे ये लोकेशन है द नॉटी यार्ड लॉज, ये पवई हीरानंदानी में इनका प्लेस है और जो बहुत ही आई गेस वाइब्रेंट प्लेस है। सो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। आप इससे पहले कभी यहाँ पे आए हैं? यस, बिकॉज पहले तो मतलब मैं शिवाजी पार्क से हूँ, हार्डकोर मुंबई कर, एंड द फोर्थ जनरेशन इन मुंबई, तो मुझे वो मुंबई का बहुत मतलब यू नो अभिमान, गर्व, आई कैन से दैट। शादी हो रही थी तो कहाँ पे वेस्टर्न साइड में मिलेगा, ईस्टर्न में मिलेगा, तो पवई में मेरी शादी हो गई। So, you have visited this place. And yes, and Pawai is my sasural, so I have this other respect for Pawai. And Naughty Arts is good. I've been here many times, but with my girlfriends. काम के लिए पहली बार मिल रही हूँ। सो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और जरूर यहाँ पे विजिट कीजिए, इनका लोकेशन बहुत अच्छा है। सो अभी जो मेन हमारा सेगमेंट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, अभी गिफ्ट देने का सिलसिला। या बट कैन आई कीप द अफर्मेशन कार्ड विद मी? या डेफिनेटली, बिकॉज़ इन द एंड ऑफ द शो, हमारे एपिसोड के इसमें एंड में हम एक अफर्मेशन सबके लिए निकालने वाले हैं। समथिंग इंटरेस्टिंग देखते हैं हम, ये क्या नई चीज है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है हैशटैग दिल खोल बातें, जो हमारा सेकंड सेगमेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सेगमेंट हैशटैग दिल खोल बातें। सो मेघना जी, मेरा सबसे पहले आपके लिए सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री में आपको आना ही, आपको कब रियलाइज हुआ? रियलाइज होने के एज से पहले ही मैं इंडस्ट्री में आ गई थी। आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड यू नो बीइंग इन दिस इंडस्ट्री लाइक व्हेन आई वाज 9। सो यू स्टार्टेड एज अ चाइल्ड एक्टर बेसिकली? या, स्कूल में ही सब होता था। माय स्कूल इज कॉल्ड बालमोहन विद्या मंदिर, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन मुंबई, और मेरी जो टीचर है विद्याताई पटवर्धन, तो शी नोटिस्ड द स्पार्क इन मी, दैट्स व्हाट शी सेज। और फिर उन्होंने मुझे उनकी ड्रामा में एलोकेशन कॉम्पिटिशन और ये सब तो मैं करती थी, मतलब स्कूल में तो एक्टिव थी ही डे वन से, पर जो यू नो एक दिशा होती है, एक मार्गदर्शन होता है, वो विद्याताई ने दिया। तो डिज्नी आया था तब इंडिया में, ओके, नया लॉन्च हुआ था, एंड दे वांटेड किड्स टू डब। उससे पहले क्या होता था कि जो भी बच्चों के किरदार हैं वो बड़े लोग ही करते थे, जैसे बड़े लोग छोटों की आवाज में डब करते थे। तो ये आवाज निकालने का सिलसिला तब से चालू है। हाँ, सो पहले बड़े लोग ही बच्चों के लिए डब करते थे, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी ना कि बच्चों को वो सब डबिंग पे लेके जाओ और वो करो। सो तब डिज्नी वॉन्टेड कि बच्चे ही बच्चों के लिए डब करें। सो एली और ग्रेटा, एली लुइस, सो उनके पास मैंने पहले ऑडिशन की थी और फिर मैं पास हो गई और मेरी डबिंग शुरू हो गई। पर मैं पास इसलिए हो गई क्योंकि मैं खुद के लिए डब करती थी। आई यूज्ड टू एक्ट एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, तारा सीरियल में छोटी तारा थी, कसम तेरी कसम, इंग्लिश बाबू देसी मेम, रिश्ते, एंड जस्ट डोंट आस्क मी, आई मीन सारी हिंदी सीरियल और मूवीज में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम करती थी। तो जब शूट किया तो उसके बाद तो डायलॉग्स याद रहते थे, तो विदाउट हेडफोन विदाउट पायलट मैं डब कर लेती थी। और इतनी छोटी सी थी कि मुझे कुर्सी पे, ऐसे बड़ी कुर्सी पे खड़ा करते थे क्योंकि माइक तक पहुंच ही नहीं पाते। तो खुद के लिए डब करते करते मुझे वो एक आदत सी हो गई थी, आई गॉट द टेक्निक, और फिर मैं कार्टून्स के लिए डब करने लगी। ओके, सो मतलब बेसिकली बचपन से ही आपने डबिंग स्टार्ट कर दी थी? हाँ, पर पहले तो मेरी शुरुआत तो चाइल्ड आर्टिस्ट के बदौर हुई है, सो एक्टिंग वॉज मेन फोकस था, और डबिंग वॉज समथिंग यू नो दैट आई यूज टू लाइक, दैट वॉज इंट माई, तभी सोचा ही नहीं था कि ये करियर होगा या फिर यू नो कुछ पता नहीं चल रहा था, बिकॉज आई वॉज गुड इन स्टडीज ऑल्सो,
तो मेरी आई बाबा को था कि मैं थोड़ा सा पढ़ लिख के यू नो टिपिकल जो शिवाजी पार्क वाली महाराष्ट्रियन फैमिली नहीं होती कि अच्छे से पढ़ाई करो सबके घर में, मेरे घर में भी वही है और हमारे घर में तो कोई मतलब दूर दूर तक इस इंडस्ट्री में नहीं था, तो उनको वो थोड़ी सी झिझक भी थी कैसे होगा कैसे होगा, हाउ विल आई कोप अप एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि पहले उनका ये फोकस था कि आप पढ़ाई करो, फिर वो प्यार से बोलते थे भाई तेरा शूटिंग बंद करा देंगे अरे तुम डबिंग में मत जाओ, कम मार्क्स ना मिले। तो मैंने नहीं 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 मैं पढ़ाई करती हूँ, आप मेरा काम बंद मत करो तो मतलब कई डर भी था मन में कि मतलब उन्होंने कुछ भी जो भी फैमिली होती है सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है। एग्जैक्टली, पर मैं जो भी अभी बच्चे नए यहाँ पे मतलब इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगी कि मिनिमम ग्रेजुएशन या डबल ग्रेजुएशन इज मस्ट, कि या फिर आपका जो फील्ड है जैसे अभी कुछ लोग BMM करते हैं या मास मीडिया करते हैं, जो भी आप जिसमें भी साउंड रिकॉर्डिंग है या फिर एक्टिंग है जिसमें भी, पर पढ़ाई करो, ऐसे मत करो कि भाई ये ही काम करना है तो इसी में कर लिया। या फिर आई मीट लॉट ऑफ किड्स जो बोलते हैं आपने जो सीखा है और आप जो काम कर रहे हो उसमें क्या फायदा है, जो आप सीखे हो और जो आप अलग चीज कर रहे हो। सो माई सबसे बड़ा सजेशन इज कि प्लीज मिनिमम ग्रेजुएशन या डबल ग्रेजुएशन यू हैव टू कम्प्लीट। तो आप जो भी देख रहे हैं ये चीज है, एक पॉइंट बना लीजिए कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। आपको जिस फील्ड में करना है उसी में करना है, जैसे किसी कैटरिंग में जाना है या फिर किसी को और कुछ करना है या फिर एक्टिंग का फील्ड है उसी में कोर्स कर रहे हो, FTI जा रहे हो, NSD जा रहे हो, दैट इज फाइन, पर यू हैव टू मतलब वो एक सर्टिफिकेट बना के दीवार पर चिपका दो भाई, पर पढ़ाई यू हैव टू नो मैटर व्हाट। ओके, सो अभी जैसे पढ़ाई का बात आपने छेड़ी है तो आपने कहीं से एक्टिंग सीखी है? एक्टिंग सीखी तो नहीं है, पर आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने विद्याताई के वर्कशॉप्स किए थे, विद्याताई पटवर्धन, और विद्याताई ने ही मुझे एनरोल किया था दुबे जी के, पंडित सत्यदेव दुबे जी के फर्स्ट, उन्होंने मुझे एनरोल किया था 93 में। बालमोन में ही उनके वर्कशॉप्स होते थे, तो मे महीने की छुट्टी आती है तो बच्चों को घर में नहीं रखना है तो क्या करना है, तो करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, राइट। मेरी मम्मी को, मेरी आई को विद्याताई ने बोला कि आप वहां पे उसको डालो क्योंकि उसकी हिंदी अच्छी होगी, मतलब यू नो उसको आदत हो जाएगी, तब तो मैं काफी मराठी में बात करती थी, तो वो चाहती थी कि मैं अच्छे से हिंदी भी बोल पाऊँ, इंटरेक्ट कर पाऊँ, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा कुछ सीखेगी। हाँ, तो वो दुबे जी के पास 93 में फर्स्ट वर्कशॉप की, और फिर 2003 में वापस मैंने उनके साथ और एक वर्कशॉप की, उसके लिए मैं पूना गई थी 10-12 दिन। तो जब मैं उनसे मिली तो मैंने कहा कि आपको याद है 93 में मैं आपके साथ थी, अब वापस 2003 में मैं आपकी वर्कशॉप कर रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या क्या याद है बताओ, जहाँ पे उन्होंने स्पीड और वॉल्यूम सिखाया था दुबे जी ने, तो उन्होंने बोला करके दिखाओ, तो मैंने करके दिखाया नॉर्मल स्पीड कौन सा है, नॉर्मल पिच कौन सा है, नॉर्मल रेंज कौन सा है, फिर मेरे अलग अलग वन, ये कुछ हमको आप करके दिखा सकते हैं अपने जो मतलब बेसिकली कर लिया? यस, वी कैन टॉक अबाउट दिस, वी कैन मतलब अभी बेसिकली देयर आर 6 वॉल्यूम्स एंड 6 स्पीड्स। ओके, तो अगर आप नोटिस करोगे तो जब से हम दोनों मिले हैं ये एपिसोड शुरू हुआ है, हम दोनों थोड़ा फास्ट बात करते हैं, यू एंड मी, या वी टॉक फास्ट, आई आल्सो टॉक फास्ट। हां, और जब हम लोग एक्साइट हो जाते हैं थोड़ा सा ये होता है तो हम हाई पिच में बात करते हैं, हम थोड़ा सा दुखी हैं, हम थोड़ा सा लो हैं, फिर हम लोग थोड़ा यू नो टोन डाउन में करते हैं। सो द कॉम्बिनेशंस ऑफ 6 स्पीड्स एंड 6 वॉल्यूम्स आर यूज्ड इन वॉइसिंग और इन वॉइस एक्टिंग। ओके, तो जैसे जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपके आवाज पे निर्भर होते हैं, मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं एंकरिंग कर रही हूँ, ओके, सो आई नीड टू हैव हाई वॉल्यूम टू शो माई एंथुजियाज्म, बट तब मैं फास्ट नहीं बोल सकती क्योंकि 10,000-50,000 जो भी मेरे ऑडियंस है उनको समझना चाहिए टू प्रोसेस, सिंस आई एम एंकरिंग, आई एम होस्टिंग द शो, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू प्रोसेस, उनको करने के लिए यू नीड टू गिव देम थोड़ा टाइम, देन यू कट डाउन ऑन योर स्पीड, पर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है फॉर द एक्सप्रेशन। सेम थिंग गोज विद व्हेन यू आर ऑन कैमरा, सिंस वी हैव अ माइक, यू कैन सी मेरे पास भी माइक है, इनके पास भी माइक है,
तो तब मुझे जोर से और बात करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई नो मेरी जो आवाज है वो इसमें अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है. सो आई कैन हैव लो वॉल्यूम बट यू नो अ नॉर्मल स्पीड. सो आप स्टेज पे हो तो आप हाई वॉल्यूम हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से. एग्जैक्टली. तो आप कौन सा रोल कर रहे हो, आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो. जैसे अभी मारुको चैन या आसारी चैन जैसा कैरेक्टर है which is anime, very nice anime. I don't know if you've heard of Maruko-chan or Asari-chan or Robotone. तो वैसा वाला जो कैरेक्टर है तो वो ऐसे बोलता है जैसे बेटे बोल सम बेटा बेटा उससे बेटा सच्ची बात सम बेटे बोल तुम एक बेटे बेटा बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ तो आप बहुत समझ आ रहे हो, अगर नहीं समझ आ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ तो आप समझ नहीं हो. कितना ये आई गेस ये कैरेक्टर डिजाइन करना भी कितना इंपॉर्टेंट है, फास्ट कितना बोलता है. एग्जैक्टली. सो अगर आप ब्रेथ नहीं ले पा रहे हो तो उसको अंडर ब्रेथ करके आप कर दो. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ साउंड मतलब स्पीड एंड वॉल्यूम एंड एक्सप्रेशंस. तो वो सब चीजें मैंने दुबे जी के साथ सीखी थी. एंड देन ही आई गेस उनका एक मोनोलॉग भी काफी फेमस है दुबे जी. आप बोल सकते हो. हाँ मुझे आई गेस वो सारे एक्टर्स के लिए काफी यूजफुल. चलिए यार हमारा जो जिस्ट है इस शो का हाउ टू बी एन एक्टर यश से सुनते हैं वो मोनोलॉग. सो द मोनोलॉग सेज दैट एक मिनट. हाँ पोजिशन लो. कैमरा रोल एक्शन. तो आज हिंदुस्तान का हर नौजवान एक्टर बनना चाहता है लेकिन ये इसे कौन बताए कि एक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं. कौन समझाए कि एक्टर बनने के लिए प्रतिभा जरूरी है, टैलेंट. रूप रंग चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो प्रतिभा के बगैर कोई एक्टर नहीं बनता. रूप रंग है, प्रतिभा भी है, फिर भी जी तोड़ मेहनत लगती है एक्टर बनने के लिए. जी तोड़ मेहनत के बाद भी बुलंद तकदीर चाहिए स्टार बनने के लिए. अगर किस्मत ने आपका साथ दिया और आप स्टार बन भी गए फिर भी कड़ी मेहनत लगती है स्टार बने रहने के लिए. यानी कड़ी मेहनत से छुटकारा नहीं है. और इतना ही नहीं बल्कि ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये सारी मेहनत किस दिशा में करनी चाहिए. नाच सकना आज एक अहम जरूरत है पर क्या आपका बदन ताल पे थिरकता है, क्या ताल से ताल मिला पाएंगे आप. प्लेबैक नाम की चीज आज जरूर है पर क्या आप पर्दे पर ये आभास पैदा कर सकते हैं कि आप ही है जो गाना गा रहे हैं. तो फिर ये उठक पठक उछल कूद मुक्केबाजी जो पर्दे पर देखते हैं क्या ये आपके बस की बात है. ये सारी चीजें आप अपनी असल जिंदगी में तो आराम से कर लेंगे पर जब भी आपको ये पर्दे पर करनी है तभी आपको यही सारी चीजें दोबारा से सीखनी होगी. और इतना ही नहीं बल्कि ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये सब कुछ एकदम नेचुरल लगे, बिल्कुल स्वाभाविक लगे. ये थी पंडित सत्यदेव दुबे द्वारा लिखित कुछ लाइंस. नमस्कार. आई गेस सारे दो मिनट के लिए मैं तो भूल ही गया था कि मुझे लगा कि मैं एक मोनोलॉग शूट करा होता है ना, ऑडिशन दे रहा हूँ. I was nice. totally lost in that. But ठीक है, coming back to our interview. So how to be an actor में ये monologue भी जो देख रहे हैं वो important and I guess this is a very good monologue because इसमें actually एक actor को क्या चाहिए या क्या मेहनत होनी चाहिए explain किया. And it मतलब वो realization भी है. बहुत जरूरी है. So I guess सत्यदेव दुबे सर हर बच्चे से ये करवाते ही है. I know, पर दो वर्कशॉप करने से आप स्टार नहीं बन जाते हो या फिर एक्टर नहीं बन जाते हो. बस हाँ एग्जैक्टली यू आर फॉर्चुनेट कि उठने जो 10-12 दिन है उनका आपको सहवास मिला. यू नो दैट इज लाइक उनका उनके साथ आप रहे ये दिस इज यू आर फॉर्चुनेट. पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक्टर बन गए. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. एग्जैक्टली. पर वही उन्होंने उसी वक्त यही कहा था कि हर एक्टर बहुत स्वार्थी होता है. दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी कि जो तुम्हारे डबिंग के लिए जो एक्सरसाइज है बस तुमने वही याद रखे. सो बेसिकली आपको क्या करना है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी एक्टर नहीं बनी तो मैं डबिंग आर्टिस्ट बन गई. डोंट डू दैट. जस्ट बी फोकस्ड कि आपको क्या करना है एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट. ओके. सो अभी आपने बातों बात में क्या था कि आपने फर्स्ट ऑडिशन 9 साल की उम्र में दी थी तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसके जरिए आपने क्या कैरेक्टर डब किया, वो कैसा था, बताना चाहेंगे? लॉट ऑफ थिंग्स. अभी मतलब 33 इयर्स हो गए. सो नाउ यू नो माय एज. शू सो मैं हमेशा अपनी बच्चे को बोलती हूँ कि मैंने पोषण पिया है, मेरी एज तो बढ़ेगी ही नहीं कभी. गले से तो अभी भी जवान है हम. सो मुझे लगता है कि हर ऑडिशन एक नई चीज है और इंस्टेड ऑफ तब क्या लगा था उससे ज्यादा अब क्या लग रहा है उस पर मैं बात करना चाहूंगी. बिकॉज देर आर मोर देन 5,000 डबिंग आर्टिस्ट इन मुंबई इटसेल्फ. तो मतलब इंडिया में तो काफी सारे होंगे, दिल्ली में होंगे, कहीं अलग जगह पे होंगे. अभी जिनको ऑडिशन करने का मौका मिल गया वो तो शाइन हो गए, पर जिनको नहीं मिला है ओके उन्होंने हार नहीं माननी है.
बिकॉज इन पैंडेमिक वी अंडरस्टूड कि आप कहीं से भी डब कर सकते हो, किसी भी कोने से डब कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको सब छोड़ छाड़ के मुंबई आना पड़ेगा. सो आप अपनी रील्स बनाओ, आप अच्छे से रीडिंग करो, बहुत ज्यादा रीडिंग करो, या फिर अपने खुद के जो ये है वो यूट्यूब पे डाल दो, देन फॉलो साउंड एंड विजन इंडिया, या फिर जिसमें मोना घोष, शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब्स इन वॉइसिंग, मोना घोष है, जस्ट फॉलो साउंड एंड विजन इंडिया. या फिर दर्पण मेहता जी, उन्होंने इंडिया वॉइस फेस्ट की एक प्रॉपर्टी ऐसी तैयार की है जहाँ पे एनीबडी एंड एवरीबडी कैन ज्वाइन दैट इंडिया वॉइस फेस्ट जो दिसंबर में एंड में होता है. सो कहीं से भी आप आ सकते हो और वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, और बेसिकली यू गेट टू लर्न. दे हैव दिस मास्टर क्लासेस. सो उनकी जो कंपनी है शुगर मीडियाज, उसको आप फॉलो करो. देर आर अमेजिंग आर्टिस्ट लाइक चेतन सशीतल, ही इज द गॉड ऑफ वॉइस, उनको आप फॉलो करो. या फिर राजेश कावा है, शानूर मिर्जा है, संकेत म्हात्रे है. सो मतलब देर आर लॉट ऑफ ऐसी हैं जो आप उनको देख के भी सीख सकते हो, यू नो. सो मुझे लगता है कि आप अपने रील्स बनाओ, आप अपने वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, कहीं तो कुछ तो हो ही जाएगा. एंड यू शुड बी इन दैट लूप कंटिन्यूअसली, कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए. सो आई थिंक इट्स अ गुड फील्ड. And you can be a voiceover artist. अच्छा खासा, मतलब जितना एक्टर को पैसा मिलता है उतना तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, उतना एक्सपेक्ट भी मत करो. हाँ, but you can survive. इतना तो definitely पैसे मिलते ही हैं. So it's a good thing and you get satisfied also. Different different characters रोज करने को मिलते हैं. शायद आप एक्टर हो तो इतने characters नहीं कर सकते जितने आप voicing में कर सकते हो. So I think it's a very good feel and it gives you satisfaction. और The best part about this field is ki sab ek dusre ke dost hain. In voicing industry, competition hai to tumhari khud se hai. It's not about, you know, koi ek dusre ke baare mein galat nahi bolta, koi ek dusre ke baare mein galat nahi sochta. There is no negativity in voicing field, kyunki jisko jo milna hai, wo to milna hi hai, audition, you know. To mujhe lagta hai, it's a very nice field. Everybody likes everyone, everybody helps everyone. And there is a togetherness in voicing industry for sure. So Meghna ji, आप dubbing भी करती हैं, आप acting field में भी आप हैं. So acting और dubbing का क्या connection है? Do they go hand in hand? Dubbing सीखने से acting में कुछ फायदा होता है? Dubbing में कुछ काम करने से acting में कुछ आपको फायदा लगा? Absolutely. According to me, acting and dubbing they go hand in hand. It's complementary to each other. Because dubbing में आप क्या कर रहे हो? आप वॉइस एक्टिंग कर रहे हो. या यू एक्ट फ्रॉम योर एग्जैक्टली, दैट्स योर टूल, राइट. तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो तो आपको जो आपका किरदार है, जो आप टीवी पे निभा रहे हो या फिर स्क्रीन पे कर रहे हो, उसके लिए एक एडिशनल पॉइंट मिल जाता है. बिकॉज अब एक छोटी सी चीज है, जैसे मैं नॉर्मल एक्टर हूँ और मुझे रोना आ रहा है, ओके. तो अगर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ तो मेरे ग्रेन्स अलग होते हैं. मेरे जस्ट गिव मी वन लाइन एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. ओके, सो वी कैन टेक कोई भी एक इमोशनल डायलॉग बोल दो. इमोशनल डायलॉग, हाँ. ओके, सो वी कैन टेक मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है. हाँ, yeah, we can take that. मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है. सो इफ आई एम ऑन स्क्रीन प्रोबेबली आई विल जस्ट से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ओके, बिकॉज मैंने अपनी एक्सप्रेशन से दिखाया. But if I am a voiceover artist, I'll add some breath, under breath, breathing, थोड़ा सा air, थोड़ा सा you know pauses mark करूँगी in my mind. So मुझे तुम्हारे बहुत याद. So end drop कर दिया. You got my point. So वो जो choking effect था, that automatically happens because you're a voiceover artist. So you can play with your voice. Plus expressions. So I think it's complementary and it adorns to your acting if you're a voiceover artist. And if you're an actor, you just don't say the dialogues, you emote the dialogues. Yeah. So it works for me कि अगर आप acting कर रहे हो तो मुझे voice का benefit मिलता है, अगर मैं voicing कर रही हूँ तो मुझे acting का benefit मिलता है. So I guess दोनों, both the things go hand in hand. Absolutely. और डबिंग जैसे आप करते आ रहे, आपने कहीं से ये आर्ट सीखा है या कैसे बेसिकली? नहीं, अनफॉर्चुनेटली तब ऐसा कोई क्लास भी नहीं था और कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट आई वुड से कि इट वाज गुड
कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गई डबिंग सीखने के लिए, बिकॉज तब जो वेटरन थे जैसे विनोद शर्मा जी थे, विजय गोयल जी थे, लीला घोष लीला जी थी, रूपा जी हैं, तो हम लोगों ने जिनसे सीखा है वो बहुत ही ओल्ड स्कूल और वो बहुत ही मतलब इसके वेटरन्स थे। तो मतलब किसी भी चीज को आप टेल अगर खींच रहे हो या फिर ऊपर आपका ये हो रहा है, सो दे वुड टेल यू कि मेघना इट हैज टू बी है, वो बिंदी नहीं आ रही तुम्हारी, यू नो यू कांट से है। सो इतनी छोटी छोटी चीजें, और अभी तो मतलब फटाफट डबिंग हो जाती है और तुम निकल जाते हो, पर जब हम डब करते थे तो उसका लॉक इन पीरियड रहता था, मतलब हाई एट पे डब किया या फिर स्कूल पे डब किया तो पूरी लाइन बोलनी है। अभी जैसे कहीं पे भी बोल दिया और रिकॉर्डर्स बेचारा अपना वो उठा के लाइन वहां पे मैच कर रहा है, वो वाली बात नहीं थी, मतलब रिकॉर्डर्स बस पंच करेगा, पंच इन पंच आउट। तो वो जो आपको रिहर्सल करनी है 10 बार। So, तभी के डबिंग प्रोसेस अभी के डबिंग प्रोसेस में कुछ फर्क लगता है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि तब बहुत प्रिसाइज हुआ करता था और तब बहुत टाइम भी लगता था, अभी बहुत फास्ट हो गया है सब। मतलब रिकॉर्डिस्ट आधी चीजें तो तुम्हारे लिए कर ही देता है, तुम्हारा ब्रेथ कट हुआ है या फिर कहीं से बीच में से लाइन उठा ली, तब वैसे नहीं था, पूरा का पूरा सीन कर रहा है। जैसे आपकी लाइन आ गई तो आपने बोल दिया, मेरी लाइन आ गई तो मैंने बोल दिया। मतलब हमारा एक बहुत ही प्यारा सा शो था, इट वॉज डेनवर द लास्ट डायनोसर दानासुर। तो हम लोग सब बच्चे थे उसमें, विराज राव, अंकुर, झवेरी, सुमित पाठक, सौम्या दान, मैं, शादाब, हम लोग सब साथ में काम करते थे। तो जिसकी लाइन आएगी वो बोलेगा, फिर दूसरा अपनी लाइन पे बोलेगा। सो वो जो रिहर्सल्स हुआ करते थे, पूरे सीन्स हुआ करते थे। सो डबिंग में आपको स्क्रिप्ट मिलती है, पर अगर आप वो लाइन्स थोड़े से याद कर लो या फिर उस लाइन को आप समझ लो तो डबिंग और अच्छी होती है। तो तब थोड़ा सा फन ज्यादा था और सिंसियरिटी ज्यादा थी, अभी थोड़ा टेक्निकल हेल्प तुमको ज्यादा मिल जाती है। सो इट्स बोथ, मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। हाँ, पर जो तब हमें सिखाने वाले थे, हमारे डायरेक्टर्स थे, सुपरवाइजर्स थे, वो बहुत ज्यादा काम करते थे, अभी आपको भी उतना ही काम करना है। आई गेस ये मतलब जैसे उन्होंने कहा कि हर चीज़ का अच्छा बुरा दोनों होता है, जैसे कि इस चीज़ में अगर आप अपना नज़रिया डाल के देखिए कि अगर आपको खुद पे काम करना है तो खुद पे काम करके भी आप अच्छा चीज़ें भी कर सकते हैं। Absolutely. So, आप थिएटर भी कर चुके आपने? हाँ, और अभी भी करती हूँ। अच्छा, यू स्टिल डू थिएटर? या। थिएटर का आपको क्या लगता है, एक्टर को थिएटर करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस है थिएटर का एक्टर के लाइफ? सी, यू शुड नो ऑब्वियसली थिएटर बिकॉज़ यू गेट डायरेक्ट रिस्पांस, सो दैट इज समथिंग लाइव ना। आज भी मतलब जब विंग से एंट्री लेती हूँ तो मुझे इतनी टेंशन होती है फर्स्ट एंट्री। वो तो सब, आई गेस हर टाइम आप कितनी भी बार थिएटर पे चले जाओ वो तो होना ही है, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज आई फील जिस चीज के लिए आप मतलब ऐसे नर्वस होते हो, आप उसके लिए सोचते बहुत हो, उसके लिए आप नर्वस होते हो। या सो जब आप स्टेज पर हो तो वो लाइट्स है, जो कैमरा मतलब इसकी माइक्स की पोजिशन है, जो डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आई मीन वो एक नशा है, और दैट इज वेयर यू नो कि वॉट आर माई लिमिटेशंस, यू नो वॉट आर माई वीकनेसेस, वॉट इज माई स्ट्रेंथ। तो जैसे अगर मेरी आवाज मेरी स्ट्रेंथ है तो आई नो कि अगर मैं 3 घंटे का थिएट्रिकल शो करती हूँ तो उसके बाद इमिजिएटली मैं डबिंग नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा थ्रो दिया है। सो आई मेक श्योर कि मेरा शो से पहले मैं अपना डबिंग खत्म करूं और फिर मैं स्टेज पे एक्ट करूं या फिर एक दिन का ब्रेक ले लूं, बिकॉज देन एग्जॉस्टेड आवाज में आप नहीं कर सकते। सो जब आप स्टेज पर हो तो आप बहुत ज्यादा ओपन आवाज में बात करते हो, दैट्स व्हाट आई फील। व्हेन आई एम होस्टिंग द शो, दो आई हैव अ माइक, यू नो वो इतने सारे लोगों को देख के ये हो जाता है, तो उसके बाद अगर मेरी आवाज थकी हुई है देन आई शुड स्टॉप इमीडिएटली, एग्जैक्टली कुछ रेस्ट करो, अच्छे से पानी पियो, देन मेक श्योर दैट यू स्लीप फॉर मिनिमम 7 to 8 hours, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो जैसे अभी मैं आइस नहीं खा सकती, आइस खाऊंगी तो आई नो कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, यू नो। सो ऑयली कम खाओ, तो यू शुड नो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यू नो, एंड यू नीड टू
पूरा मतलब जस्टिस करो जो भी आप कर रहे हो, गिव योर 100%. ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ करना है तो मैं करती रहूंगी एंड देन आई एम निग्लेक्टिंग यू नो दैट देयर इज नो इनफ रेस्ट नहीं मिला है, या फिर यू नो हाफ हार्टेडली कर रहे हो, या फिर आई एम पुशिंग माई सेल्फ. डोंट डू दैट. वॉइसिंग में यू हैव टू साउंड गुड. पहले खुद को आपको लगना चाहिए यस आई एम साउंडिंग गुड, देन यू कैन कन्विंस अदर्स. एंड आपकी आवाज मैंने बहुत जगहों पे सुनी है, जैसे कि प्रोमोज हो गए, जी के प्रोमोज के लिए आप आई गेस बहुत डब करती है, उसके लिए सुना है. फिर रेलवे स्टेशन पे मैंने आपकी आवाज सुनी है. मतलब ऐसी एक भी जगह नहीं जहाँ पे मैंने इनकी आवाज सुनी नहीं है. या सो डिफरेंट डिफरेंट है ना. सो कैसे आपने वो कैसे बेसिकली एक काम करते हैं, अभी हम दोनों मिलके यहाँ पे एक प्रोमो बनाते हैं इसी हाउ टू बी एन आर्टिस्ट का. ये तो कुछ न्याय है भाई. ओके चलो वी कैन ट्राई. ओके जस्ट टेल मी द नेम ऑफ योर शो. So the name of the series is How to Be an Actress series with YN. Y मतलब यश and N मतलब नीलाक्षी. Okay. Fine. And what is the purpose of our thing? Okay. So the purpose of opening this series is कि जो भी actors है वो actors को मदद मिले और एक knowledge होती है, एक proper guidance होता है, वो हम देना चाहते हैं. जो इसीलिए हम series ये series में interviews conduct करते हैं. मुझे और नीलाक्षी को भी जितने पता है इस industry के बारे में हम वो चीज़ें भी share करते हैं. वो तो start भी हो गई है लिखना, देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है. Okay, let's start. So हमारा ये promo तैयार है. आपको actor बनना है but don't know how to start, how to approach, confused हो? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज विद YN कंटेंट फैक्ट्री. वाह. मतलब इसे कहते हैं कि मतलब होता है ना कि वॉइस मॉड्यूलेशन वर्सिटिलिटी इज द मेन की, जैसे कि ये कार्टून की आवाज तो निकालती है बट उन्होंने तुरंत लिख के प्रेजेंट भी कर लिया. दैट्स रियली कमेंडेबल. सो वो जब रेलवे की बात आती तो अपने वो बेसिकली आप कैसे करती है? आप कुछ दिखाना चाहेंगे? इट्स लाइक IVRS इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सर्विसेज. या तो जैसे 1027 आप इंद्रायणी एक्सप्रेस विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 1. तो इसमें मतलब यू गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन उड़ान स्टेशन पे है. तो जैसे अभी नेशनल ज्योग्राफिक है या फिर सुपर किंग्स का एक बीबीसी पे एक शो है, डिस्कवरी है, तो देन यू लाइक यू नो थोड़ा सा ठहराव आ जाता है. मतलब अगर आप लिटिल कृष्णा कर रहे हो, कैन यू से मैया? Yeah, I guess I have seen her promo and I have tried this. Obviously, I cannot be great as her, but I can try. So basically, it is like, Maya. ऐसे basically कुछ होता है, but हाँ, obviously okay. So you think about this ऐसे blue color का some character और वो divine है, नटखट है. तो वो शिनचान की तरह तो भैया ऐसे तो नहीं बोलेगा, ये तो नहीं करेगा. देन यू थिंक अबाउट समथिंग कि वो नखट भी है बट डिवाइन भी है. तो जस्ट उसमें थोड़ा सा आप हस्क डाल दो, लेकिन वो बच्चा है तो कैसे बोलेगा? जैसे मैया मुझे माखन दे दो ना. तो ये आवाज सुन के कैरेक्टर नहीं आ जाता आपके दिमाग के सामने कि एक ऐसे हो सकता है? एग्जैक्टली. सो अभी जैसे डोरेमोन जैसा कैरेक्टर है, सो देयर आर 3 वॉइस ओवर आर्टिस्ट डबिंग फॉर इट. जैसे सोनल कौशल है, समृद्धि शुक्ला है, मैंने कुछ उसके ये किए हैं. तो मतलब ऐसा है कि कभी वो कैरेक्टर आपको जिंदा रखना है, डजंट मैटर कौन उसको डब कर रहा है. तो उसके जो पहले जिसने किया हुआ है या बाद में जो करने वाला है, उसकी कंटिन्यूटी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे नॉडी मैं पहले डब करती थी 20 इयर्स बैक, पर अभी नॉडी करती हूँ, देन यू नो वही सेम कंसिस्टेंसी होनी, आवाज भी बदलनी नहीं चाहिए. या बट विद एज आवाज बदलती है. तो क्या ये चीज आपने फेस की है कि आप जब बचपन में डब करती थी और अब डब करती तो आपकी आवाज में फर्क? यस, जैसे मेरा बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है कॉल्ड जॉर्ज, पेपा का जो भाई है, पेपा पिक का भाई है. सो आई एम जॉर्ज. तो अभी जॉर्ज तो 15-20 साल पहले मेरा अप्रूव हुआ है ना. आई एम स्टिल डबिंग इट, इज अ डिफरेंट थिंग, बट माय वॉइस हैज चेंज्ड नाउ. तो मैं क्या कर सकती हूँ, देन आई प्ले ऑन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. मतलब वो सेम फ्लेवर तो है नहीं, इट्स नॉट चीटिंग, इट्स लाइक यू नो इवॉल्विंग.
सो अभी भी इफ यू सी पहला एपिसोड और लास्ट एपिसोड यू विल फाइंड द सेम साउंड यू नो आपको सुनाई वैसे ही देगा बट देन आई हैव टू चेंज माई वेरिएशंस अकॉर्डिंगली जैसे वो बोलता है डायनासोर दैट्स द ओनली लाइन दैट्स द ओनली वर्ड ही हैज डायनासोर ओके बाकी वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है सो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस तो जैसे इफ ही इज हैप्पी देन ही विल से क्या अरे डायनासोर इफ ही इज सैड देन ही से ऐसे नहीं लग रहा टीवी पे सुन रहे हैं हम इनको ऐसे मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं ऐसे प्रैक्टिकली सुन रहा हूँ बिकॉज बचपन में ना इनकी बहुत सारी कार्टून्स देखी है तो मुझे लग रहा है कि मैं वो भी बच्चा हुआ और मैं वही टीवी पे देख रहा हूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा साक्षात ये मेरे सामने बैठी और आवाज निकाल रही है So basically, then I play on my expressions and my words and grains and everything, you know. Mm-hmm. So, आप जो भी dub कर रहे हो ना, उसको pilot को ठीक से सुनो. जैसे अभी काफी सारी माधुरी जी की आज करने का मौका मुझे recently मिला. तो माधुरी जी और मेरी आवाज तो बिल्कुल भी मतलब similar नहीं है. तो उनकी जो nuances हैं, उनकी जो style है, वो अगर आप पकड़ लो, जैसे मुझे उनका हंसने का जो एक ये है ना वो मिल गया कैन यू शो वो तुम्हें एक इशारा देगा और तुम समझ जाओगे कोई ना कोई तुम्हारे लिए भी बना है सो थैंक यू सो मुझे उनकी लाफ्टर की जो वो है ना वो मिल गई सो मुझे लगता है कि आप ठीक से अगर पायलट सुनते हो और एक 50% भी उनकी स्टाइल अडॉप्ट करते हो जस्ट सरेंडर मतलब यू नो वो करने की पूरी 100% कोशिश करो तो शायद कहीं तो भी 50-60 आप उनकी तरह साउंड कर सकते हो सो आई गेस दिस इज अ वेरी मतलब प्रोसेस है आपको ऑब्जर्व करना यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर अगर आप अपना कैरेक्टर सही ढंग से बिकॉज यू आर रिक्रिएटिंग इट ना पहले से बना हुआ है मतलब जब एनिमेशन जो इंडिया में बनते हैं तो आप पहले डब करते हो फिर एनिमेशन बनता है फिर एडीआर बनता है फिर करेक्शंस होते हैं फिर रिएक्शंस होते हैं और वो तैयार हो जाता है देन इमेजिनेशन है तो आप कितने भी उसमें कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो बट जो बना बनाया एनिमेशन है या लाइव एक्शन है वो तो तुम्हारे सामने तैयार है ना बस उसको एनहांस करना है देन दो चीजें एक जब आप डब कर रहे हो जो एनिमेशन नहीं बनाया उसके लिए देन यू कैन मतलब ट्राई एंड एरर पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो पर जो बना हुआ है उसको आप बस फॉलो करो 100% उसको सुनो और जहां पे पॉजेस हैं वो शायद चाहिए तो अपने स्क्रिप्ट में मार्किंग्स कर ले या फिर किसी लाइन में आपको दिक्कत आ रही है किसी वर्ड में आपको ये है तो जब तक वो सही नहीं आता डोंट उसको छोड़ो मत वो लाइन में बदल दूंगी मुझे साजिश ज स श साथ में नहीं बोलना है या यू नो प फ ब भ पे मेरे ब्लोज आ रहे हैं तो वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड जो भी आपको लगता है ना तो उसको छोड़ मत ये जो अपने पॉजेस की बात की ना उससे मुझे ना एक लाइन याद आई कि बेसिकली एक लाइन है देखो कि हम दोनों बैलगाड़ी में बैठ के चले गए ठीक है हम दोनों बैलगाड़ी में बैठ के चले गए बट अगर मैंने यहाँ पे ऐसी पॉज ले लिया कि हम दोनों बैल गाड़ी में बैठ के चले गए तो इसका क्या मीनिंग हो गया तो वही है कि द करेक्ट पॉज एट करेक्ट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन चेंज द एंटायर सेंटेंस एंड आप डबिंग इतने सालों से करती आ रही है तो बहुत सारे एक कहने हैं लोगों के कि कार्टून्स आपने बहुत सारे डब किए तो कार्टून कैरेक्टर डब करने से आवाज खराब होती है तो इस पे आपका क्या कहना है इट्स अप टू मतलब व्यक्ति सापेक्ष है ये हर एक का अलग नजरिया है हर एक का अलग पर कई सारे जो टीवी आर्टिस्ट हैं उनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है इफ यू आस्क मी तो मेरी आवाज तो खराब नहीं हुई पर मेरे सुर नहीं ठहरते अभी जब मैं गाना गाती हूँ तो पहले जितना अच्छा गाना गा सकती थी अब मैं उतना नहीं गाती या गा सकती क्योंकि मेरे सुर ठहरते ही नहीं है सो हर एक को अपनी आवाज के हिसाब से अपने वो मतलब अलग होता है बट नाउ आई कांट सिंग प्रॉपरली मतलब मेरी जो कैरेक्टर है जो निंजा हथौड़ी गा रहा है तो बस उतना ही मैं गा सकती हूँ पर जो पहले जैसे मैंने बचपन में सीखा हुआ है या फिर कुछ जितना मैं सुर में गाती थी अब शायद मैं उतना नहीं गा सकती जितना मेरा कैरेक्टर गाता है मैं उतनी कोशिश करती हूँ बट यू नो कि ये सही नहीं जा रहा है जैसे मैं कर रही थी वैसे वो नहीं हो रहा है देन यू शुड स्टॉप यू शुड नो वेयर टू स्टॉप तो अभी
मैं अपने कैरेक्टर्स के गाने नहीं गाती। ओके, सो इट इज अप टू यू, मतलब आपको वो डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कहाँ पे रुकना चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज़ आई नो इट्स नॉट साउंडिंग जैसे पहले साउंड होता था, या फिर मेरे सुर अभी नहीं लग रहे हैं ठीक से, आई नो दैट, देन आई शुड नॉट डू इट। वेरी ट्रू, मतलब ये करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत सारी मूवीज में भी काम किया, तो टाइम पास में आपने काम किया था, तो उसका कुछ एक किस्सा आप बताना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? वैसे तो मैं शिवाजी राजे भोसले बोलते हैं, झेंडा मोरिया और सब में ना मुझे न्यूज एंकर का ही रोल मिलता था पता नहीं क्यों पर ऐसा होता था, अरे एंकरिंग है तो मेघना को बुलाओ। हाँ। वो वाली चीज हो गई थी। तो मैंने ईरा के टाइम पे, जैसे ही मैं माँ बनी, माय डॉटर्स नेम इज ईरा एंड वी शेयर बर्थडे टुगेदर, एंड आई गेस उनका बर्थडे आ भी है 24th April, सो एडवांस में ईरा, सो एडवांस में हैप्पी बर्थडे आपको। ईरा होने के बाद जो फर्स्ट ऑफर आई थी दैट वाज टाइम पास। तो पहले तो मैंने बोला चलो 15 साल की लड़की की माँ का ही रोल है तो कर लेते हैं। जब मैं शूटिंग पे गई तो वहाँ पे भूषण प्रधान भी आ गया, जो इतना प्यारा दिखता है और जो काफी मतलब ये है, मतलब यू नो वो 20-25 साल का उसमें दिखा है। तो मैंने बोला है मतलब मेरी एज 40 से ज्यादा हो गई इसमें, उतनी तो मैं हूँ नहीं। तो फिर मैंने खुद ही एक रूमर शुरू कर दी, मतलब जितने भी लोग मुझे मिले ना तो मैं उनको बताती थी नहीं नहीं वो जो केतकी मतलब प्राजक्ता दिखाई है ना वो मेरी बेटी है, और जो भूषण जो बहुत अच्छा लड़का है वो जो वैभव मांगने की पहली बीवी का बेटा तो मैंने खुद ही सबको बताना शुरू कर दिया जो भी मुझसे पूछते थे तूने इतनी बड़ी औरत का रोल क्यों किया, नहीं नहीं वो तो छोटी वाली मेरी थी, वो जो बड़ी वाली दिखाई उसकी पहली बीवी के बच्चा होता है। नो नो बट मतलब जोक्स अपार्ट ऑब्वियसली बाद में बता देती थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, पर इट वॉज अ वेरी गुड ब्रेक फॉर मी एज इन टाइम पास डिड, क्योंकि वो फर्स्ट मूवी थी जिसने 33 CR का कलेक्शन करा था, इन तो इट वॉज अ माइल्ड स्टोन एंड आई वॉज पार्ट ऑफ इट। इट हैड अ अमेजिंग म्यूजिक एंड एवरीथिंग वॉज लाइक बैंग ऑन, सो इट गेव मी दैट शी इज बैक वाला, यू नो जोर से कहते हैं ना कमबैक स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे था वो मिला। सो उसमें एक सीन है वेयर आई स्लैप हर, क्योंकि शी हैज एन अफेयर विद दगड़ू, सो एक माँ की बदौर मैं उसको मार दी। अभी क्या हुआ, मेरे नई नई बच्ची हुई थी, ईरा छोटी सी 1 साल की है, बच्ची हुई है, और यू नो यू गेट दैट थिंग। सो जब टाइम पास में उन्होंने बोला कि प्राजक्ता को आपको स्लैप करना है क्योंकि उसका दगड़ू के साथ अफेयर है, सो बींग अ मदर यू हैव टू टीच हर अ लेसन की दिस इज रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग। तो पहले तो जब डायरेक्टर ने बताया तो मैं आई वाज सिंकिंग विद दैट थिंग, यू नो कि आई हैव टू हिट हर एंड दे वो फला। और जब सीन शुरू हुआ तो केतकी को मैंने जोर से मारा, ओके आई स्लैप्ड हर एंड देन आई फेल्ट सो बैड आई स्टार्टेड क्राइंग। जैसे ही ओके हो गया टेक, क्राइंग एज इट सॉरी बाला, सॉरी सॉरी केतकी व्हाट डिड आई, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, ताई ताई इट्स ओके, ताई कोई बात नहीं, ताई इट्स ओके, और मारो चाहिए तो और दोनों एक दूसरे को गले लगा के, मतलब उसमें आधा घंटा पूरा यूनिट की है इनका, मतलब क्या चल रहा है। ये दूसरा सीन यहाँ पे शुरू हो गया। Then I realized ki a few years back when I was 15, there was this natak which I did was called Unhacha, Aai Cha Ghar Unhacha, and Asawari Joshi, that dhoondte reh jaoge, that artist, wo meri maa hoti hai, aur maine same scene kiya hota hai, aur wo mujhe maarti hai. Aur tabhi hum dono roye the, ki Asawari Tai was like, you know, sorry Meghu, main tujhe maar laa, main tujhe maara. Wo yaad aa gaya. Aur exactly after same thing and then happened, so you know it's like yes chakra so you experience these things and then you know okay fine this is like you know tab maine process you can say yeah so I'm happy ki I'm in the best field where you can experience a lot of different characters in one life I guess exactly through your voice also and through your expressions and acting so also. I'm very thankful to my guru, I'm very thankful to my audience and first of all my parents who supported me a lot. Right. So parents out there who are watching this series, aapke bagair kuch nahi ho sakta. If you support your kids, please you can or you should listen to your parents because they have this extra sixth sense. So agar aapke parents aapko kuch keh rahe hain so please. Wo sabki I guess zindagi mein hota hi hai kyunki chinta hoti hai is field mein kya ho na ho pata nahi hota, to wo bhi unka bhi ek thinking same hai.
सो अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन है कि डबिंग आप करते, तो डबिंग में आपको ऐसे कौन सी एक किस्सा, जैसे आपने एक्टिंग का कहा, तो डबिंग में ऐसा कौन सा किस्सा रहा है? Yes, so there's this series called Stranger Things. तो Stranger Things में जब first season आया तो उसमें Joyce, Will's mother, Winona Ryder का character मुझे मिला. मतलब आपको audition देना ही है. तो audition में pass हो गई. और Winona Ryder is a very मतलब बहुत ज़्यादा उम्दा actor है वो. तो उनको match करना is not easy. मतलब there are lot of flutters and Will कहाँ जा रहे हो बेटा? वो सब फॉल्स लिप भरना, और दैट वॉज काइंड ऑफ यू नो ओवरवेलमिंग फॉर मी. और फर्स्ट स्ट्रेंजर थिंग्स का ये था, आई डब्ड विद साउंड एंड विजन. तो वो मेरा फर्स्ट एपिसोड आई वॉज नॉट हैप्पी. मतलब वो हो ही नहीं रहा था जिस तरह से वो कैरेक्टर चाहिए था. तो फिर जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने उन्होंने मुझे कहा कि टेक योर ओन टाइम, आप ये सीन ठीक से एक बार देख लो और फील करो, ठीक है? सो फिर लाइट्स वाइट्स बंद किए हम लोगों ने पूरा वो. आई टुक माई ओन टाइम. वो सीन मैंने बार बार, दो तीन बार देखा. एंड देन दैट डायरेक्टर टोल्ड मी कि ये जो विल है, आप समझो कि ईरा गायब हो गई है, ईरा के साथ ये हो रहा है. सो वो उन्होंने फोल्ड बैक में, मतलब वो सब देखे, ऐसे मुझे नरेट किया कि दिस इज हैपनिंग टू ईरा, यू आर ट्राइंग टू रीच टू ईरा, दिस इज नॉट विल एंड दिस इज नॉट जॉयस, इट्स मेघना एंड ईरा, एंड थिंक अबाउट इट. तो वो करते 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 देन आई स्टार्टेड क्राइंग. और फिर हम लोग ने जो डब किया, दैट यू कैन वॉच स्ट्रेंजर थिंग्स विनोना राइडर. सो कभी कभी ऐसे होता है कि तुम खुश नहीं हो, नहीं हो रहा है, देन प्रोबेबली यू नो यू रिलेट विद सर्टेन थिंग्स एंड देन यू कैन डू इट. तो जब मैं ट्विस्टर डब करने जा रही थी, तो आई डब फॉर यंग हेलेन हंट शायद उसमें ट्विस्टर में. तो इतना बड़ा वो ट्विस्टर आया, और तब हम लोग बड़े बड़े थिएटर में डब करते थे. तो आई गॉट स्कैर्ड. देन आई कॉल्ड माई डायरेक्टर लीला जी, मेरे आप प्लीज अंदर आ जाओ. सो शी सेड व्हाट हैपेंड. देन आई कुड नॉट टेल हर दैट आई एम स्कैर्ड, ये जो आवाजें आ रही है, बिकॉज आई वाज यंग, आई वाज इन स्कूल. तो वो ट्विस्टर देख के मैं बहुत डर गई थी. देन आई टोल्ड हर कि आई एम एलर्जिक टू ट्विस्टर. आधा घंटा हम लोग हंस रहे थे. देन शी सेड कि ठीक है, ये डेंजर वाला जो मतलब एकदम बहुत साउंड है, मैं उसका साउंड कम करती हूँ और आई विल सिट विद यू. फिर वो मेरे साथ बैठी, फिर मैंने वो डब किया एंड एवरीथिंग वाज फाइन. देन नेक्स्ट मेरा था जुरासिक पार्क के लिए, वन पार्क वाला वो था. तो मैंने बाबा को पहले ही अंदर लेके गई, क्योंकि मुझे लगा कि अब वो जैसे ट्विस्टर में मैं डर गई थी, तो अभी भी मुझे डर लगेगा जुरासिक पार्क डब करते हुए. तो मैंने बाबा, मेरी बाबा को लेके गई अंदर, और तब पता चला छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे वो उसके साथ मेरा सीन था डायनासोर, एंड दे वर सो क्यूट. एंड बाबा इज लाइक कि तूने मेरा पर डे खराब कर दिया. इससे अच्छा मैं ऑफिस, इसकी इससे डरेगी तू, इसके लिए बुलाया मुझे. तो मतलब कई बार अजम्पशंस भी होते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती रहती है. बट मेनी अ टाइम्स जब तक वो कॉन्टेंट रिलीज नहीं होता, वी कांट टॉक अबाउट इट, क्योंकि NDAs होते हैं, मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं. सो मेनी आर्टिस्ट दे पोस्ट रिलीज होने से पहले, उन्होंने ये चीज नहीं करनी चाहिए. और ये सेगमेंट खत्म करने से पहले आप कुछ अफर्मेशन कार्ड का बताने वाली. ओके, सो हाउ टू बी एन एक्टर मे, व्हाट मैसेज आर वी गेटिंग, लेट्स सी. ठीक है, समथिंग यूनिक एंड आई डोंट नो व्हाट. ओके, सो वी हैव टू इंटरप्रेट कि ये कार्ड आप ही ने दिए मुझे. हां हां, वन लाइफ मैनेजर ने दिया अमित, थैंक यू सो मच. ओके, गेट वन कार्ड. सो वी हैव टू बिकम, या या, गिव एंड गिव मी दैट. ओके सर, या ta-da! And read it. Life feels great all of the time. Okay. So the message we get from this is ki you should feel good about yourself. Okay. And this is all about life. Okay. So give yourself a chance and never lose hope. Have patience and everything is going to be great. And thank you so much. So, ये मैसेज जो है एक्चुअली मेरे लिए काफी यूजफुल है, बिकॉज मैं काफी ओवर थिंक करूँ. मैं बहुत सोचता हूँ कि हो नहीं रहा कुछ चीजें, कुछ करते रहना चाहिए. तो मेरे सारे दोस्त मुझे अक्सर बोलते हैं कि तू बहुत सोचता है. सो आई गेस आई हैव गॉट द राइट कार्ड. थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली एक्सपीरियंस बींग ऑन दिस शो, एंड आई लव द फैक्ट दैट कास्टिंग डायरेक्टर्स आर कमिंग ऑन दिस शो. यू नो, डायरेक्टर्स आर कमिंग ऑन दिस शो, स्क्रिप्ट राइटर्स आर कमिंग ऑन दिस शो. सो आप बहुत डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है वो एक्सप्लोर कर रहे हो. बेस्ट विशेस टू
यू व्हाई एंड एम. अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी दो और सेगमेंट बाकी है हमारे जो सरप्राइज सेगमेंट है, इन्हें भी नहीं पता. सो वी विल स्टार्ट विद आवर थर्ड सेगमेंट जो है रैपिड फायर राउंड. तो चलिए बढ़ते हैं हमारी थर्ड सेगमेंट की तरफ जो है हैशटैग रैपिड फायर राउंड. सो ये जो थर्ड सेगमेंट है ये हमारी रैपिड फायर राउंड है और इसमें पहला आपके लिए ऑप्शन हम देंगे एक्टिंग या फिर डबिंग. बोथ. यू कैन नॉट बी डिफरेंट. वॉइस एक्टिंग. ओके वॉइस. ठीक है चलेगा. मूवी डबिंग या फिर कार्टून डबिंग. कार्टून. ओके. आपके दो कैरेक्टर्स नॉडी या फिर निंजा हथौड़ी. नॉडी. ओके. नॉडी कुछ सुनाना चाहेंगी. मैं हूँ छोटा नारी, फिर मैं चाहूँ दो इतनी सारी नारी सी के ऐसे जिला हो, जो होगा ये दिन पूरा तो कर लूंगा ही काम, इतने सारे नारी से मुश्किल हो जाए आसान. हेलो बिगेस, कहाँ जा रहे हो? सो अभी आपके कुछ फेवरेट्स, फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जो अब तक आपने डब किया. निंजा हथौड़ी. निंजा हथौड़ी. बिकॉज़ आई सेड नॉडी देन. ओके. फेवरेट वॉइस ओवर एक्टर जिसके आपने काम किया है. जिसके साथ काम किया या फिर ऐसी आपको जो मतलब अच्छा लगे. Almost सभी voice actors मुझे अच्छे. No, okay, everybody, fine, no voice. Diplomatic, being diplomatic. मुझे कल काम पे जाना है. Okay, so अभी और एक सवाल आ रहा है. So, who's your favorite voiceover artist? Meghna Erande. क्या ये तो diplomatic भी नहीं है. ठीक है और एक सवाल है. मैं खुद की favorite हूँ. ओके तो नेक्स्ट हमारा सवाल ये है कि फेवरेट आर्टिस्ट एक्टिंग में को एक्टर बेसिकली जिसके आपने काम किया है. शाहरुख खान. सबका फेवरेट है को वो नीलाक्षी बास ना. सो द वर्स्ट पार्ट इन माय लाइफ इज द बेस्ट पार्ट वाज आई गॉट टू स्पेंड 6 डेज 6 नाइट्स विद शाहरुख जी. पर पहले जब शूट कर रही थी उसके बाद 2 साल बाद शूट हुई तो मेरा कैरेक्टर ही कैंसिल हो गया और दूसरी बच्ची को उनको लेना पड़ा बिकॉज देन यू नो हुआ नहीं वो सेम. बट आई गॉट टू स्पेंड 6 डेज 6 नाइट्स विद शाहरुख खान. नीलाक्षी का तो सपना. देन आई मेट हिम आफ्टर 20 इयर्स एंड ही रिकॉग्नाइज्ड मी. सीरियसली? ओह माय गॉड दैट वाज अमेजिंग. आई मीन इट जस्ट ब्लू माय माइंड कि मैंने उनको बोला कि हाय आई एम बिजुरिया. बिजुरिया नाम था मेरा. सो ही सेड परफेक्ट आई रिमेंबर यू, जस्ट डोंट कॉल मी अंकल एनीमोर. यू यूज्ड टू कॉल हिम अंकल. ओके. सो ही रिकॉग्नाइज्ड मी. ओके गॉड. And your favorite destination? Mumbai. Thankfully, I've been everywhere. If you ask me, like most of the places I've been, like Europe, America, Australia, Southeast Asia, you know, वो एक है that is like you know, अगर मैं dubbing और acting नहीं कर रही हूँ, then मैं travel करती हूँ. But believe me, guys, Mumbai जैसा सुकून कहीं नहीं है. So Mumbai is my favorite destination. एंड काफी रैपिड थे आपके आंसर्स. ये सेगमेंट बहुत एंजॉय किया हमने. बट अभी भी गेम्स खत्म नहीं हुए क्योंकि गेम्स जो मेन है वो बाकी है मेरे दोस्त. तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट सेगमेंट की तरफ जो है हैशटैग मसालेदार गेम्स. तो इस सेगमेंट में अभी मैं आपको एक लाइन दूंगा और ये लाइन का क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा. सो द लाइन इज आपके लिए भी और आपके लिए भी. डाली डाली पर नजर डाली, पर जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली. So you can... डाली डाली पे नजर डाली, पर जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी और ने तोड़ डाली. Yeah. और ये गेम हम दोनों खेलने वाले. ओके दिस इज अ सरप्राइज फॉर मी बट आई कैन नॉट बी एज परफेक्ट एज शी इज बट स्टिल आई विल ट्राई. आई कैन ट्राई इन डिफरेंट वेरिएशंस यू कैन से. चलो तो बेसिकली आपको आपके फर्स्ट एक कार्टून कैरेक्टर में डब करना जो है निंजा हथौड़ी. तो ये निंजा हथौड़ी कैसे बोलेगा. डिंग 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 डाली डाली पे नजर डाली डिंग 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 पर जिस पे मैंने नजर डाली वो किसी ने और तोड़ डाली. या 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 या. ओके सो मैं तो ऐसे नहीं बोल पाऊंगा बट आई कैन ट्राई दिस इन अ डिफरेंट वेरिएशन. आई कैन ट्राई फॉर एक छोटी लड़की का आवाज. ठीक है आई कैन ट्राई. सो डाली डाली पर नजर डाली बट जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो किसी ने तोड़ डाली.
So this was just a try. I'm not as pro as she is. So second आवाज जो है वो है मिकी माउस. हरिया ताऊ ताली ताली पे नशा ताली जिस पे मैंने नशा ताली वो किसे और भी तोड़ डाली. हरिया ताऊ. Nice, nice. और एक आपका कैरेक्टर नॉडी. Oh, डाली डाली पे नजर डाली जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसे और नहीं तोड़ डाली. ये मैं और एक ट्राई कर सकता हूँ वो है बोचान की आवाज. okay. सुनिए तो वो डाली डाली पर नजर डाली पर जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो किसी ने तोड़ डाली मेरी नाक को क्या हो गया. ओ ये तो बहुत अच्छा था. थैंक यू मजा आ गया. और लास्ट लिटिल कृष्णा. डाली डाली पर नजर डाली जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो किसी और ने तोड़ डाली. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा मेघना जी आपके साथ बातें करके गेम्स खेल के रैपिड फायर करके बहुत अच्छा लगा. और थैंक यू सो मच हमारी सीरीज में आने के लिए. और जाते जाते जो एक्टर्स बनना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी. कीप अप द गुड वर्क और जो आपका है वो आपको मिलेगा ही. हैव पेशेंस और मेहनत को दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है. एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. और आपको जो भी चाहते हैं वो प्लीज यूनिवर्स को बोल दीजिए वो आपको जरूर देंगे. Yes, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है ये पूरा ही इंटरव्यू सेशन. वन सेकेंड थैंक यू सो मच मेघना जी. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए एपिसोड में. तब तक के लिए स्टे हैप्पी बी कनेक्टेड स्टे पॉजिटिव. थैंक यू सो मच. बाय बाय.